Hello students, welcome to the English class. Today we are going to discuss about sentences. What is sentence? Sentence क्या होता है? Basically sentence जो है वो एक group of words होता है और जिनका complete meaning निकलता हो. ठीक है, for example, write definition. A sentence is a group of words, that makes complete sense, Sentence जो है वो group of words होता है, words का group होता है, words का group. That makes complete sense, मतलब जिनका meaning निकलता हो. ठीक है, group of words बहुत सारे होते हैं but उनका meaning भी निकलना चाहिए. For example, कंप्लीट मीनिंग निकलता है हम उसे बोलते हैं सेंटेंस. ठीक है, और सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई. सब्जेक्ट क्या हो रहा है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है. इसमें आई किसके बारे में बात की जा रही है? मेरे बारे में बात की जा रही है. आई क्या हो गया? सब्जेक्ट. और एम क्या है यहाँ पर? एम है आपकी हेल्पिंग वर्ब. तो सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, इज, एम, आर जो वर्ब्स होती हैं, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स. चलो टाइप से पहले फ्रेजेस. फ्रेज बताओ ये क्या होते हैं? कैन यू फ्रेज क्या होते हैं? सेंटेंस तो पता लग गया, फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. ठीक है, इसकी सेंस तो बनती है बट कंप्लीट सेंस
नाउन कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फरास की जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इसमें
ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है, ठीक है, बट इनका जो है कुछ मीनिंग निकलता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ मीनिंग निकलता हो उसे बोला जाता है फेरास, बट कंप्लीट नहीं निकलता, आधा ही मीनिंग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रीन ग्रास, अब हमें पता लग गया इन द ग्रीन ग्रास, भाई हरी घास में कुछ क्या, कंप्लीट तो नहीं है ना सेंटेंस की ग्रास में घास में क्या है, हमें नहीं पता। ये हाफ सेंटेंस, हाफ ग्रुप, हाफ बोल सकते हो आप इसे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे हम फेरास बोलते हैं, ठीक है, बट इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। अगर इनका कंप्लीट मीनिंग निकलता तो हम इन्हें सेंटेंस ही बोल देते, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इट्स टाइप्स, और यू कैन से दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज फोर टाइप्स, फोर काइंड्स, ठीक है, सेंटेंस के जो है फोर काइंड्स होते हैं। आप देख लेते हैं फोर कौन से हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव, और यू कैन से दैट डेक्लरेटिव, असर्टिव और डेक्लारेटिव, ठीक है। सेकेंड वन इज इंपेरेटिव, थर्ड वन इज एक्सक्लामेटरी, फुल स्टॉप, एंड्स विद अ
एवरी सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल मीनारे. द ताज महल इज अ हिस्टोरिकल, फिर बोल सकते हो आप हिस्टोरिकल कर लेगा. ठीक है, या
रिक्वेस्ट करेगा, कमांड देगा या ऑर्डर देगा या फिर एडवाइस देगा, वो कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, टेल मी समथिंग, मैं आपको बोलूँ गिव मी योर पेन प्लीज, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि प्लीज मुझे अपना पेन दे दो. ठीक है, बच्चे भी आपस में रिक्वेस्ट करते हैं ना, गिव मी योर इंग्लिश नोटबुक प्लीज. जब भी हम प्लीज वर्ड लगा देते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं हम इस पे, नेक्स्ट पे, दैट इज टेल मी डेवलप सम टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक. एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बेटा आप ये मत लर्न करो, ये लर्न कर लो, ये बेटर है. लाइक एडवाइस देना, ठीक है, आप ये ड्रेस मत लो, आप ये ड्रेस ले लो, ये आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी. ठीक है, एडवाइस. अब हमने एडवाइस दे दी, अब आपको परचेज करते हो या नहीं करते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ, ये तो हो गया, अब आपको बोलूँ कमांड, ऑर्डर दू, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ. ठीक है, ये होता है ऑर्डर. आप मम्मा पापा को भी बोलते हो ना, मम्मा प्लीज गिव मी फूड, मुझे खाना दो. ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर देना. ठीक है, कमांड. डाउनलोड सम इंफॉर्मेशन अबाउट तांतान सेन फ्रॉम द इंटरनेट. अब आपको कमांड दी मैंने कि डाउनलोड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस फ्रॉम द इंटरनेट, कि सेंटेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है डाउनलोड करके आओ. ठीक है, सेंटेंस कहाँ से? नेट से. ये मैंने आपको कमांड दे दी. ठीक है, तो ये तो हो गया इंपरेटिव का काम है, कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, और एडवाइस देना. ठीक है, अब इसके चार ही काम है, या तो कमांड देगा, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा या एडवाइस देगा. नाउ लेट्स मूव आवर थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, थर्ड सन ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लामेटरी. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज आर यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इमोशंस एज दे एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इमोशंस, एक्साइटमेंट. एक्सक्लामेटरी जो है सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा ना, सेंटेंस होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसकी कंप्लीट सेंस बनती है. नाउ लेट्स मूव इट्स थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लामेटरी. आपकी
फीलिंग आई है, ये अचानक आई है ना, मतलब सडन फीलिंग जो अचानक आती है. फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जाएं, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल देखने जाएं, ठीक है. अभी तक आप सबने मान लो पिक्चर्स में देखा हुआ, आपने रियल में नहीं देखा हुआ, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है. और आप जाते हो, जाके आप देखते हो ताजमहल, वाओ, और मन से अचानक निकले, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज, कितना ब्यूटीफुल है ये. लाइक कोई मम्मा जो है आपके लिए सरप्राइज, आपको बर्थडे गिफ्ट मिले, और बर्थडे गिफ्ट में जो है आपको कोई गेम मिल गई, लाइक कार वाली, रिमोट वाली, कोई भी गेम मिल गई, और आपको अचानक, और आप कितने खुश हो जाओगे ना, आप कहोगे वाओ मजा आ गया, ठीक है. मतलब जो अचानक जो फीलिंग उसी टाइम आती है, ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशन उसी टाइम शो होते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है. ये जो है सेंटेंस का एक काइंड है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ग्रेट सिंगर तानसेन वाज, तानसेन जो था वो कितना ग्रेट सिंगर था, ठीक है. हाउ रिच द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज, कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेडिशन जो है वो कितना रिच है. हाउ ब्यूटिफुल शी इज, कितनी ब्यूटिफुल है वो, ठीक है. ये थे आपके एक्सक्लेमेटरी. नाउ और लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक ही काम है क्वेश्चन पूछना, ठीक है. एक आस्क क्वेश्चन, फोर्थ वन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका एक ही काम है. क्या काम है इसका? आस्क क्वेश्चन, इसका एक ही काम है क्वेश्चन पूछना. ये हमेशा आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा, कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, ठीक है. कभी भी उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन ही पुट अप करेगा. व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है. व्हाई यू नॉट केम यस्टरडे, ठीक है. ये आपसे जो है क्वेश्चन ही पूछेगा, कभी भी आंसर नहीं देगा. याद रखना, ये बहुत ही नोटी है, आपसे क्वेश्चन से पूछता रहेगा, कभी भी आंसर नहीं देगा. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंस, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, इसका काम क्या है? क्वेश्चन पूछना, ठीक है. और ये क्वेश्चन भी यस नो वाले भी हो सकते हैं और WH वाले भी हो सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड यू नो मिस्टर दास, आप मिस्टर दास को कैसे जानती हो. आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रही हो, ठीक है. ये यस नो वाले भी हो सकते हैं और WH वाले भी हो सकते हैं. तो ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है. व्हाट इज योर नेम, आपको कुछ ना कुछ बताएगा किसी ना किसी चीज के बारे में, और ये एंड होगा फुल स्टॉप से.
ठीक है. द ताजमहल इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पॉजिटिव. अब अगली लाइन में कह रही है ताजमहल इज नॉट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हो गया नेगेटिव. अब आते हैं हम सेकंड नंबर इंपेरेटिव का काम है कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना या फिर एडवाइस देना. ये काम है कंपैरेटिव सेंटेंसेस का. फॉर एग्जांपल गिव मी योर पेंसिल, ये ऑर्डर दे दिया. ठीक है. टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, इस ग्लास ऑफ वाटर को पकड़ो. मैं बोलूं टेक दिस वाटर बॉटल, इस वाटर बॉटल को पकड़ो. ठीक है. तो ये क्या होगी, ये कमांड होगी, रिक्वेस्ट. प्लीज लेट मी सम मनी, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ये होगी रिक्वेस्ट. एडवाइस स्टडी हार्ड इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड, अगर तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी हार्ड मतलब मेहनत करो. ठीक है. गो क्विकली और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे तुम. ठीक है. ये सजेशन है, एडवाइस है. अब तुम जाओ ना जाओ जल्दी वो तो अलग चीज बात है. ठीक है. हम इसका काम है एडवाइस भी देना, एडवाइस देता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है और रिक्वेस्ट कर. ठीक है. अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी से. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सडन फीलिंग इमोशंस शो करते हैं, कैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, लाइक कोई भी अचानक कितनी ब्यूटीफुल सीनरी आपके आगे शो हो जाए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज. अपने आप जो सडन एक्सप्रेशन आता है अंदर से वो तो एक्सक्लेमेटरी अब आवर. लास्ट एंड नोटी सेंटेंस बोलेंगे अब उसे, बिकॉज इसका एक ही काम है क्वेश्चन पूछना, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ask questions, where are you going, what is your name. Okay student, this is your sentences and its kinds. Okay. So student, that's enough for today. ठीक है. We will parts of sentence भी है इसके, two parts of sentence है, we will discuss.